वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के, बिना ब्रेक वाला वीडियो बोले सबसे हार्ड। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। फिर आपके बीच में आकर के आपके धरने में शामिल होने का काम। हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज चुका है। पार्टियां लगी हुई हैं कि कैसे जनता को अपनी ओर किया जा सके, कैसे एक बार फिर से भरोसा जीता जा सके। एक ओर है बीजेपी जो सत्ता पर काबिज है और इस बार 90 विधानसभा वाली सीटों में से 70 से ज्यादा सीटें लाने का दावा कर रही है। तो दूसरी ओर है कांग्रेस जिसे साल 2014 के चुनाव में करारी हार मिली थी। वहीं तीसरी ओर है इनेलो जो सत्ता से दूर है और चुनाव से पहले पारिवारिक कलह के कारण पार्टी भी टूटती हुई नजर आ रही है। वहीं इस चुनाव में जेजेपी ने भी ताल ठोकी है जिसकी अगुवाई कर रहे हैं चौटाला परिवार के ही सदस्य। नब्बे विधानसभा वाली हरियाणा में सभी पार्टियां कह रही हैं कि जीतेंगे तो हम ही, विरोधी हारेंगे। हर पार्टी की ओर से सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। तो दूसरी ओर मनोहर लाल खट्टर की नेतृत्व वाली बीजेपी सबका साथ सबका विकास के नारे पर आगे बढ़ रही है। 90 विधानसभा वाली हरियाणा में एक अहम इलाका है फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आती है 6 सीटें, तिगांव, फरीदाबाद, फरीदाबाद NIT, बल्लभगढ़, पृथला और बड़खल। इन सभी सीटों में से एक खास सीट है तिगांव। तिगांव सीट पर इस वक्त कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस के विधायक ललित नागर ने साल 2014 में इस सीट पर बीजेपी के राजेश नागर को हराया था और इस बार इस सीट पर मुकाबला है कांग्रेस के ललित नागर और बीजेपी के राजेश नागर के बीच। चुनावी मौसम है तो नेताओं की ओर से तैयारियों में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। जनसभाएं हो रही हैं, लोगों से एक बार फिर वादों की झड़ियां लगाई जा रही हैं। कांग्रेस के मौजूदा विधायक और तिगांव सीट से उम्मीदवार ललित नागर की ओर से दावा किया जा रहा है कि जनता का साथ तो मिल रहा है और जीत के रास्ते पर वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी में भी कहीं ना कहीं आपसी मतभेद नजर अशोक तंवर के जाने का कोई हमारी में कोई मतभेद नहीं है। आप उत्साह देखिए लोगों का, कितना उत्साह है लोगों में हरियाणा प्रदेश में। अगर दोबारा आप चुनाव जीत के आएंगे तो क्या क्या करवाएंगे? इस बार अगर वही समस्या होती है सरकार बीजेपी की और आप मौजूद, कैसे आएगी? बीजेपी की हवा निकल गई। हाँ, बीजेपी कहाँ, झूठ का नारा लगाते हैं ये। राजेश नागर टक्कर दे रहे हैं? बिल्कुल टक्कर में हैं। हम किसी दुश्मन को, किसी दूसरी पार्टी को, विपक्षी को हल्के में नहीं लेते, टक्कर में हैं। लेकिन आप खुद देख सकते हैं लोगों का उत्साह, एक तरफा जीतेंगे हरियाणा प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नेताजी तो दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, सब साथ हैं और सब साथ मिलकर ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत किसी से नहीं छिपी है। नहीं छिपी है ये बात कि अशोक तंवर अब कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। खैर, कांग्रेस अपने दावों में लगी है तो बीजेपी के उम्मीदवार भी ठोक कर कह रहे हैं कि जीत तो बीजेपी की होगी क्योंकि काम भी बीजेपी ने ही किया है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं अब की बार 75 पार, मेरा एक नारा अब की बार 84 पार। ये अंदर विरोध है, उसे किस तरह से? ये तो हर घर में छोटी मोटी वो होती है, मनमुटाव होता है। अब सब पार्टी एकजुट है और सारे कार्यकर्ता हमारे साथ। 5 साल गुजर गए लेकिन इन 5 सालों में तिगांव सीट की हालत आखिर कितनी बदली, विकास कार्य कितने हुए, यही जानने के लिए न्यूज तक की टीम ने तिगांव विधानसभा इलाके का दौरा किया, लोगों की राय जानने की कोशिश की। जैसा कि हरियाणा में 21 तारीख को चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, हम इस समय फरीदाबाद की तिगांव विधानसभा सीट में हैं और हम इस समय मौजूद हैं चांदपुर गांव में। यहां पर हमारे साथ बड़े बुजुर्ग और तमाम युवा लोग यहां पर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे इस चुनावी चौपाल में कि इनका मूड क्या है, ये किस राजनीतिक पार्टी को इस बार साथ देंगे, क्या मोदी का 370 को हटाना, क्या केंद्र सरकार की स्कीम्स काम आएंगी या फिर बेसिक जो विकास की बातें हैं वो रहेगा हरियाणा चुनाव का मुद्दा। आपके लिए मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा तो कांग्रेस के लिए मुद्दा है जी, कांग्रेस पार्टी ने बड़े अच्छे अच्छे काम करे हैं और गरीब लोगों को प्लाट भी दिए हैं और अनाज भी दिया है, रहने के लिए
प्लॉट बनाने के लिए पैसा भी दिया था। का मुद्दा है कि ना तो बीजेपी सरकार से कोई बेरोजगारी दूर हुई जो ये लंबे लंबे भाषण देते थे, और ना ही महंगाई में कोई कमी आई है, और आज का युवा पीढ़ी बेरोजगार होकर धक्के खा खा के रोडों पे मर रहे हैं, जिनके लिए कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई है। तिगांव विधानसभा इलाके के लोगों की नाराजगी तो दिखी, लेकिन इलाके के विधायक यानी कि कांग्रेस के ललित नागर के लिए नहीं बल्कि सरकार को लेकर ये खासा नाराज दिखी। मुख्यमंत्री से लेकर सरकार तक पे कई तरह के आरोप लगाए। भाई 10 साल तो यहाँ पे गड्ढे में ही रहा है तिगांव विधानसभा क्षेत्र। अच्छा। 5 साल पहले विपक्ष की और 5 साल ये विपक्ष की। अच्छा, तो मतलब अब सरकार बहुमत बीजेपी की आ रही तो बीजेपी को वोट दो ना। डेवलपमेंट हुआ यहाँ तो कुछ नहीं आया, यहाँ तो कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। भाई बात यह है, विकास तो हमारे क्षेत्र में कराया है बीजेपी ने। अच्छा। बाकी हमारे जो सबसे बड़े दो इशू हैं, वो हम दोनों पार्टियों से नाराज हैं। अच्छा। और दोनों ही इसमें राजनीति करती हैं, झूठ बोलती हैं दोनों ही पार्टियां। अपने अपने दावे तो एक तरफ हैं, लेकिन किसने क्या किया है, कितना किया है, कैसे किया है, ये जनता बखूबी जानती है। 5 साल भले ही चुप रहती हो, लेकिन चुनाव में फैसला क्या करना है वो जनता को बखूबी पता है। 21 तारीख को जनता अपने मतों के अधिकार का इस्तेमाल करेगी और 24 तारीख को दिखा देगी कि आखिर उसे किस पर है भरोसा और किससे है नाउम्मीदी। न्यूज़ तक ब्यूरो।